पूर्व सैनिक ओआरओपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। सिविक सेंटर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। 20 फरवरी से जंतर मंतर में जारी धरने को भी अपना समर्थन पूर्व सैनिकों ने दिया है। पूर्व सैनिक संघ ने ये पैदल मार्च निकाला। वन रैंक वन पेंशन में उनका कहना है कि कई विसंगतियाँ हैं और इसी को लेकर वो सड़कों पर उतरे। तो ओआरओपी की एक बार फिर से जंग देखने को मिली है और इन पूर्व सैनिकों का कहना है कि जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा है उसे भी उन्होंने समर्थन दिया है। इसमें ऑफिसर्स भी को भी इनको लाभ मिला, लेकिन ऑफिसर जिस कमेटी में थे ऑफिसरों ने किस मामले में बगड़ा के सैनिकों को जो सिपाही रैंक के लोग हैं जेएसयू एंड ओआरस उनके साथ छल किया गया। उनको प्रॉपर जो मिलनी चाहिए एक्चुअल जो ओआरओपी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और अधिकारियों ने अपना सिर्फ फायदे के लिए सैनिकों को ठगा गया। जैसे एमएसपी के लिए भी हम लोग जो लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहे थे मिलिट्री सर्विस पे के लिए वो भी हम लोगों को नहीं मिल दी जा रही, प्रॉपर नहीं दी जा रही है और बहुत ही बड़ा भेदभाव किया गया है। मतलब जैसे फैमिली पेंशन के लिए भी उनकी फैमिली के लिए 60 से 70 हज़ार रुपये है और हमारे लिए 9 हज़ार हमारी फैमिलियों के लिए है। इस तरीके के ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो हम लेटर के माध्यम से हम माननीय अपने प्रेसिडेंट साहब को राष्ट्रपति जी को प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी का कार्रवाई की जाए। हमारे पूरे भारतवर्ष के सैनिक जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और अभी ऑलरेडी 20 तारीख से जंतर मंतर पर सब चल रहा है और हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तहसील प्लेस और डिस्ट्रिक्ट प्लेस है सारे सैनिक इसको ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिया जा रहा है कि जो जो भी त्रुटियां हैं जो भी बसंगतियां हैं उसको दूर किया जल्दी दूर किया जाए।